गुड मॉर्निंग अगेन फ्रेंड्स। तो आज मैं सेकेंड पार्ट दिखा रही हूँ संडे अपडेट का। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनको हम अपने गार्डन में एक बार लाते हैं और वो हमेशा हमारे गार्डन में बना रहता है। तो वो प्लांट है टोरेनिया। टोरेनिया का प्लांट ऐसा है फ्रेंड्स, इसको यदि आप एक बार लेकर आते हैं तो आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। और इसको फर्टिलाइज़र भी ज़रूर दीजिएगा अभी इस समय, जो भी आप विंटर सीजन के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो टोरेनिया को भी हम दे सकते हैं, जिससे कि इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और ये प्लांट ऐसा है फ्रेंड जो ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है, तो इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दीजिए और मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दीजिए, उसमें नीम खली डालकर। और ये फंगस का अटैक बहुत इनमें होता है, तो फंगीसाइड पाउडर का भी स्प्रे ज़रूर कीजिए टोरेनिया के प्लांट में, क्योंकि ये प्लांट में जैसे ही थोड़ा सा भी फंगस अटैक होता है प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे टोरेनिया के प्लांट अपने गार्डन में ऐड किए हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैक्सिकन पिटूनिया है, तो मैक्सिकन पिटूनिया के मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं क्योंकि ये वाइट कलर के हैं। और मैंने कुछ सोचा है जब इनमें फ्लावरिंग होगी तो मैं उसका वीडियो भी आप लोग से शेयर करूँगी कि मैंने इतने सारे प्लांट क्यों लगाए हैं और किस कारण से लगाए हैं। तो देखिए, अभी इस तरह से मेरे गार्डन में कुछ कुछ छोटे छोटे से पॉट में मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं। तो पर्सलेन को भी मैंने अभी सेव करके रखा है, मॉस रोज को भी, और ये देसी रोज़ हैं वाइट कलर के। इसमें फ्लावरिंग अच्छी चलती है फ्रेंड्स, ये फ्लावरिंग अच्छा करता है, देसी रोज़ है ये। और कुछ को मैंने तो यहाँ से हटा दिया है। और ये देखिए, मैंने स्क्वायर वाले जो पॉट आते हैं उनमें मैंने साल्विया और पिटूनिया को लगाया है, और साल्विया की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है, और पिंचिंग मेथड से मैंने इसे इतना घना बनाया है। और गुलदाउदी में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। और ये बोगनविलिया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको यहाँ से वहाँ हटाते रहती हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छे से सनलाइट आती है और इस एरिया को मैंने खाली किया है तो थोड़ा सूना सूना लग रहा था, इसलिए मैंने बोगनविलिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है तो मैंने यहाँ रख दिया, जिससे कि मेरा गार्डन अच्छा हरा भरा अच्छा रंगीन दिखे। और एक और ये है गुलदाउदी, रेड और येलो कलर का कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा फ्लावरिंग होता है। इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं। और ये देखिए, इनमें न्यू ग्रोथ आ रही है, जो मेरे रोज़ हैं हाइब्रिड रोज़, मैंने बहुत सारे प्लांट की प्रूनिंग कर दी थी और ये क्रीम कलर के प्रूनिंग के बाद अभी इनमें फ्लावरिंग चल रही है। और एक येलो कलर का भी है फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें भी आज तीन फ्लावर्स खिले हैं, एक अच्छे से खिला है, दो कली है और बहुत ही खूबसूरत। इसमें देखिए फंगस अटैक हो गया था तो मैंने फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे भी किया है, और हमारे यहाँ रात में बारिश भी हुई है तो कल तो मैंने फंगीसाइड का स्प्रे किया था लेकिन सारे धुल गए। तो मैं अभी कुछ देर बाद मैं सभी प्लांट में फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करूँगी। तो जब भी बारिश हो उसके बाद आप फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे ज़रूर कीजिए प्लांट्स में, क्योंकि फंगस अटैक का और डर रहता है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे प्लांट, गुलदाउदी के बहुत सारे प्लांट मैंने तैयार किए हैं, और कुछ प्लांट तो मेरे अच्छे फ्लावरिंग पर आ गए हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो लेट से फ्लावरिंग करेंगे ताकि मेरे गार्डन में बहुत दिनों तक फ्लावरिंग होती रहे। इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने गार्डन का अरेंजमेंट किया है। वैसे तो मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह उगाती थी लेकिन अब सबको मैंने हटा दिया है। और ये येलो कलर के हिबिस्कस का प्लांट है, देखिए बहुत छोटे से चार पाँच इंच के पॉट में लगा हुआ है और फ्लावरिंग पर आ गया है, और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है और कितना बूसी है। और ये डहेलिया का प्लांट है, ये 10 इंच के पॉट में, प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। और इधर भी गुलदाउदी के ही प्लांट है जो ग्रो बैग में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप ग्रो बैग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, अगर आपके पास समय है तो आप घर पर ही बना सकते हैं, चावल की जो बोरियां आती हैं उनसे ग्रो बैग बना सकते हैं। और कितने सारे पॉट भी हम खरीदें, हमारे पास पॉट की कमी हो ही जाती है। यदि आप एक से ज़्यादा प्लांट चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पॉट की ज़रूरत पड़ती है, और एक ही प्लांट अगर आप चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गुलदाउदी की लगभग मेरे यहाँ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25 से 30 प्लांट होंगे फ्रेंड्स, तो इस वजह से मैंने बहुत सारे ग्रो बैग बनाकर उन्हीं में शिफ्ट किया है, रिपोर्ट किया है। और ये देखिए मिनीचर हिबिस्कस में भी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, ये जेड प्लांट। और यहाँ पर छोटे छोटे 8-8 इंच के पॉट में, 6-6 इंच के पॉट में भी गुलदाउदी को मैंने लगाया है और सभी में कलियाँ बहुत अच्छी सी आने लगी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। और पिटूनिया के जो प्लांट हैं देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, ये मेरे सीडलिंग में लेकर आई थी फर्स्ट टाइम वही वाले हैं, और आज देखिए इसमें फ्लावर्स भी खिले हैं, स्टार पिटूनिया हैं। और पिंक कलर के हिबिस्कस देखिए कितना ब्यूटीफुल सा, कितना खूबसूरत। तो हाइब्रिड हिबिस्कस में फ्रेंड्स मेरे यहाँ अभी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, देखिए येलो कलर का कितना खूबसूरत, कितना प्रिटी लगता है ये फ्लावर्स।
ये येलो कलर का फ्लावर्स फ्रेंड्स इंतज़ार बहुत कराता है, बाकी फ्लावर्स तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। और ये मेरा फेवरेट पिंक कलर, लेकिन इसमें बहुत लेट से ही फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से देखिए मेरे यहाँ पर गार्डन में, ये मेरे टेरिस का ईस्ट साइड का गार्डन है। और देखिए विंटर प्लांट मैंने यहाँ पर लगाए हैं पिटूनिया, और मेरे चार प्लांट तो स्टार पिटूनिया ही निकल गए, तीन तो एक ही कलर के निकल गए। और गजानिया भी अभी अच्छे से ग्रोथ ले रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिटूनिया की ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप लोग को दिख रहा होगा। ये कैनेंडुला और ये पिंक कलर के ही हिबिस्कस हैं, और ये गुलदाउदी है। तो इधर सारे प्लांट इस तरह से मैंने अरेंज किए हैं फ्रेंड्स, सारे ही हिबिस्कस को मैंने यहीं पर। आलमंडा में भी अभी थोड़ी थोड़ी सी कलियां दिख रही है, दो चार कलियां, देखते हैं कौन से कलर के आते हैं, क्योंकि उसको भी मैंने नया ऐड किया था। और ये देखिए पिंक कलर के पिटूनिया। तो इस तरह से मेरे गार्डन में अभी फ्लावर्स खिल रहे हैं। और ये जटरूपा, जटरूपा में देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रिटी पिंक कलर का फ्लावर, डार्क पिंक कलर का, बहुत सुंदर लगता है। और ये रेड कलर का ही हिबिस्कस, कल भी इसमें दो तीन फ्लावर आए थे और आज भी आए हैं। और इसकी कलियां देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा कलियां हैं। हाइट तो प्लांट की नहीं बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और कलियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो हिबिस्कस के प्लांट में आप फर्टिलाइज़र दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए, सीविड ग्रेनुअल दीजिए, ह्यूमिक एसिड दीजिए, और बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी इस्तेमाल करेंगे हम विंटर सीजन में, उसको भी आप इनको दीजिए, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और एक ये कोलियस का प्लांट मैंने नया ऐड किया था, और ये जरबेरा का प्लांट है फ्रेंड्स, देखिए इसकी तो मैंने आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। और अपराजिता, अपराजिता की मैंने कटिंग कर दी थी और देखिए प्रूनिंग कर दी थी, उसके बाद इनमें फ्लावर्स आना शुरू हुए हैं अभी। और जरबेरा में भी बहुत अच्छे से अभी ग्रोथ ले रहा है। और ये कुछ बल्ब लगाए थे मैंने, तो इनको मुझे रिपोर्टिंग करना है फ्रेंड्स। इसमें एक ही पॉट में, ये सेंड में लगा हुआ है, थोड़ी बहुत ही मिट्टी है इसमें, और इसमें लगभग 10 प्लांट हैं। तो इनको मैं आज शाम को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग करूँगी। और इधर कोलियस के प्लांट हैं देखिए, तो कुछ प्लांट हैं जिनको मैंने हैंग करके वाल पर रखा है और कुछ को नीचे रखा है। और ये देखिए बोनसाई बनाने के लिए अरेलिया का प्लांट मैं लगाई थी, दो प्लांट मेरे पोर्च गार्डन में भी रखे हुए हैं अरेलिया के। तो इस तरह से मेरा गार्डन है फ्रेंड्स। और ये पेंटास, पेंटास में बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, और इनकी ग्रोथ देखिए, आप लोगों ने पहले भी देखा है मेरे प्लांट की पूरी पत्तियां येलो सी हो गई थी, अब देखिए बहुत सारी पत्तियां आपको ग्रीन दिखाई दे रही होंगी। तो इसका मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, उस हिसाब से मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि मैंने किस तरह से पेंटास के प्लांट की जो येलो पत्तियाँ हैं और इनकी ग्रोथ मैंने कैसे सुधारी है। तो देखिए इनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, ये कटिंग से मेरे ने लगाया है, तो दो कटिंग भी मेरी ग्रो हो गई है। और ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, और ये प्लांट को तो फ्रेंड्स मैंने नया ऐड किया था अपने गार्डन में पिंक कलर का, और बहुत ही बूसी और बहुत ही सुंदर है ये, इसमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से चल रही है। तो प्लांट को बूसी बनाने के लिए आप पिंचिंग मेथड अपनाइए, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ लेगा। और ये पिंक कलर देखिए पूरा कलियों से भरा हुआ है, पूरा फ्लावर से मेरा पॉट भरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और इसमें एक रेड कलर भी आता है फ्रेंड्स, मैं तलाश कर रही हूँ, शायद मुझे नर्सरी जाने पे मिल जाए। तो अभी मैं बहुत काफ़ी दिनों से मैं नर्सरी भी नहीं गई हूँ, घर पे ही प्लांट मिल जाते हैं तो नर्सरी जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, लेकिन नर्सरी ज़रूर विजिट करूँगी जल्दी ही। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने अपने घर पर अपने घर के प्लांट से कटिंग लेकर लगाया है, और ये सारे प्लांट मैंने कल रिपोर्ट किए हैं। तो कितने प्लांट का नाम लूँ, आप लोग को दिख रहा होगा, ये सारे प्लांट जितने इधर रखे होते हैं फ्रेंड्स, इन सबको मैं कल रिपोर्ट की हूँ, बहुत सारे प्लांट। और ये कुछ मैंने कटिंग भी लगाई हूँ मैं, तो कटिंग तो अच्छे से ग्रो हो गई है, देखिए न्यू पत्तियाँ इसमें छोटी छोटी सी दिख रही होगी शायद आप लोग को, आ रही हैं। पॉन्सिटिया की तीन कटिंग है, और ये डायंथस की कटिंग मैं पहले लगाई थी, तो कुछ तो ग्रो हुए हैं, और कुछ की छोटी छोटी पत्तियाँ दिख रही है, अभी देखती हूँ आगे ग्रोथ अच्छी होती है, इसकी अच्छी है देखिए, ये दो प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ है डायंथस की। और पिटूनिया के कुछ मैंने कटिंग लेकर, जो पॉट में टच हो रहे थे तो मैंने उसकी कटिंग लेकर भी मैंने कटिंग लगा दी है पिटूनिया की। तो जब भी आप पिटूनिया की कटिंग आप लगाते हैं, या जब भी आप पॉट रिपोर्ट करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि उसमें से कोई भी ब्रांच मिट्टी को न छुए, नहीं तो उसी से इन्फेक्शन, फंगस का अटैक होता है। तो उसको कट करके आप नया प्लांट भी तैयार कर सकते हैं पिटूनिया से। और ये मेरा पीस लिली का प्लांट है, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है,
मैं इन सबको पॉट लेकर आऊँगी, तब शिफ्ट करूँगी। देखिए मैंने ग्लास में लगाया और इसकी ग्रोथ देखिए, न्यू पत्ती आ गई है। तो पीस लिली के भी मेरे पास लगभग 5 से 6 प्लांट हो गए हैं, और ये मदर प्लांट है, इसी से मैंने बेबी प्लांट तैयार जो हुए थे उसी को लेकर मैंने रिपोर्ट किया है और बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं। और ये मनी प्लांट है, और इधर सारा देखिए कोलियस की कुछ वैरायटी है जिसको मैंने यहाँ पर इस तरह से रखा है, स्पाइडर प्लांट है, और ये मैंने कुछ और लगाए हैं फ्रेंड्स भैया को देने के लिए। मैं तो पहले और 10-12 प्लांट दे चुकी हूँ, 10-12 बैग, और थोड़े से और भैया ने कहा था कि और लगा कर मुझे दे दीजिएगा, तो मैंने कुछ उन्हीं के लिए तैयार किया है। और कुछ कोलियस के भी प्लांट मैं भैया को देने के लिए, नर्सरी वाले भैया को देने के लिए 8-10 प्लांट तैयार की हूँ, उनको दूंगी। तो ये देखिए हिबिस्कस का प्लांट मैंने रिपोर्ट किया था, तो इसकी कुछ पत्तियाँ थोड़ी सी येलो सी हो गई है, लेकिन प्लांट चल जाएगा, इनकी नई ग्रोथ पत्तियाँ बिल्कुल हरी सी लगने लगी है। मुझे लग रहा था कहीं मेरा ये प्लांट ख़राब ना हो जाए, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मौसम भी थोड़े से ख़राब हो गए, थोड़ी बदली आ गई तो अच्छे से चलने लगे। तो बस फ्रेंड्स, आज संडे अपडेट का यही वीडियो था। अगर वीडियो आप लोग को मेरा दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वे फ्रेंड जो मेरे चैनल को नए देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।